हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी के चैनल में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में विश्व के महाद्वीप। दो महाद्वीप हो गए हमारे, एशिया और अफ्रीका। तीसरा महाद्वीप है उत्तरी अमेरिका, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। उत्तरी अमेरिका का परिचय, फिर आएगी जल संधियां, फिर इसके बाद आएगी उत्तरी अमेरिका के पर्वत, फिर इसके बाद आएगा उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल, फिर झीलें, फिर नदियां। तो आज हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की? 1492 में कोलंबस ने की थी। उत्तरी अमेरिका की खोज की थी 1492 में कोलंबस ने। और उपनाम क्या है उत्तरी अमेरिका के, और किस नामों से जाना जाता है इसे? तो नई दुनिया उत्तरी अमेरिका को कहा जाता है। और उत्तरी अमेरिका जो है ये पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप है। पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित महाद्वीप उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उपनाम क्या हो गया इसका? नई दुनिया। कनाडा को यूएसए से अलग करने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। उत्तरी अमेरिका के देश है कनाडा, तो कनाडा को यूनाइटेड स्टेट से अलग करने वाली अक्षांश रेखा कौन सी है? 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। जबकि उत्तरी अमेरिका के मध्य से गुजरने वाली देशांतर रेखा कौन सी है? 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। कनाडा देश जो है उस यूएसए से अलग करने वाली कनाडा को कौन सी अक्षांश रेखा अलग करती है? 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। जबकि उत्तरी अमेरिका के मध्य से गुजरने वाली देशांतर रेखा 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा है। विश्व में सबसे लंबी तटरेखा वाली खाड़ी कौन सी है? हडसन की खाड़ी, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है। विश्व में सबसे लंबी तटरेखा वाली खाड़ी तो है हडसन की खाड़ी है। जबकि विश्व में सबसे लंबी तटरेखा वाला महाद्वीप कौन सा है? यूरोप। सबसे लंबी तटरेखा वाली खाड़ी तो है हडसन की खाड़ी, की तटरेखा सबसे लंबी है। जबकि सबसे लंबी तटरेखा वाला महाद्वीप जो है वो यूरोप है। जबकि विश्व में सबसे लंबी तटरेखा वाला देश जो है वो कनाडा है। तीनों पॉइंट आप याद रखें। सबसे लंबी तटरेखा वाला देश कौन सा? कनाडा। सबसे लंबी तटरेखा वाला महाद्वीप कौन सा? यूरोप। सबसे लंबी तटरेखा वाली खाड़ी कौन सी? तो हडसन की खाड़ी। जबकि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है मेक्सिको की खाड़ी। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? प्रेरीज कहलाते हैं। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान प्रेरीज कहलाते हैं। जबकि और ये प्रेरीज जो है ये उत्तरी अमेरिका का ब्रेड बास्केट, रोटी की टोकरी या रोटी की डलिया कहलाता है। उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान तो प्रेरीज कहलाते हैं। ये प्रेरीज घास के मैदानों से ही उत्तरी अमेरिका को अच्छी फसल प्राप्त होती है। तो इस प्रेरीज मैदान को इसी कारण उत्तरी अमेरिका का ब्रेड बास्केट, रोटी की टोकरी या रोटी की डलिया कहा जाता है। अब आती है उत्तरी अमेरिका की जल संधियां, जिसमें पहली आती है बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि आपको बताया था एशिया महाद्वीप में, शॉर्ट ट्रिक याद रखने की, प्राबे। बेरिंग जल संधि जोड़ती है प्रशांत महासागर प्लस आर्कटिक महासागर को। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? प्राबे। बेरिंग जल संधि जोड़ती है आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। और अलग किसको करती है ये बेरिंग जल संधि? एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अलग करती है। जोड़ती तो है ये आर्कटिक और प्रशांत महासागर को, और अलग करती है एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को। ये फैक्ट आप याद रखें कि कौन सी जल संधि से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है? तो बेरिंग जल संधि से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। बेरिंग जल संधि से अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। फिर आती है दूसरी जल संधि, युकाटन जल संधि। युकाटन जल संधि जो है ये कैरिबियन सागर और मेक्सिको की खाड़ी को जोड़ती है। युकाटन जल संधि कैरिबियन सागर और मेक्सिको की खाड़ी को जोड़ती है। फिर आता है फ्लोरिडा की जल संधि। फ्लोरिडा की जो जल संधि है ये मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। आपने महासागरीय धाराएं पढ़ी है, तो फ्लोरिडा की धारा कौन से महासागर की धारा है? तो अटलांटिक महासागर की धारा है। फिर आती है हडसन जल संधि। ये हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। हडसन जल संधि किसे जोड़ती है? हडसन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को। फिर आती है डेविस जल संधि। डेविस जल संधि जो है ये बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। डेविस जल संधि बेफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर को जोड़ती है। अब आते हैं उत्तरी अमेरिका के पर्वत कौन कौन से हैं। पहला आता है रॉकी पर्वत, जो कि नवीन वलित पर्वत है। और इस रॉकी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट मैकिनले, जिसे अभी दिनाली नाम से जाना जाता है। सबसे ऊंची चोटी है रॉकी पर्वत की माउंट मैकिनले, जिसे दिनाली नाम से जाना जाता है। और माउंट मैकिनले ये दिनाली जो है
ये उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। याद रखिएगा कि उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो माउंट मैकिनले या दिनाली, एशिया की तो है माउंट एवरेस्ट, और अफ्रीका की है किलिमंजारो, और उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, माउंट मैकिनले। फिर दूसरा पर्वत आता है उत्तरी अमेरिका का अपलेशियन पर्वत, जो कि ये पुराना वलित पर्वत है। तो दो पर्वत है, रोकीज और अपलेशियन। अब आते हैं उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल कौन कौन से हैं, सोनारण मरुस्थल और मोजावे मरुस्थल। तो ये दो मरुस्थल हैं उत्तरी अमेरिका में, सोनारण मरुस्थल और मोजावे मरुस्थल। अब आती है उत्तरी अमेरिका की झीलें कौन कौन सी हैं, ग्रेट साल्ट लेक विश्व की तीसरी और उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक लवणता वाली झील है ये ग्रेट साल्ट लेक, और ये उत्तरी अमेरिका की ये पांच झीलों का समूह क्या कहलाता है, ग्रेट लेक्स कहलाता है। उत्तरी अमेरिका की जो झीलें हैं पांच, इन्हें इनके समूह को क्या कहते हैं, ग्रेट लेक्स कहा जाता है। और इन झीलों की आकृति कैसी है, फिंगर नुमा या अंगुलिया नुमा आकृति है इन झीलों की, और इन झीलों का पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम क्या है, याद रखिएगा आप उत्तरी अमेरिका की झीलों का, ये ग्रेट साल्ट लेक पांच झीलों का समूह जो है, इनका पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम क्या है। तो सबसे पहले पश्चिम में आती है सुपीरियर, उसके बाद आती है मिशिगन, उसके बाद आती है ह्यूरियन, फिर आती है ईरी, और फिर आती है ओंटेरियो झील। तो आप याद रखिएगा पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम, सुपीरियर झील जो है ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सुपीरियर जो झील है ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। फिर आती है मिशिगन झील, जो कि पूर्ण रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में है। आप इसे याद रखना, मिशिगन झील पूर्ण रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में है। फिर आती है ह्यूरन झील, ह्यूरन झील और सुपीरियन झील दोनों को जोड़ने वाली नहर कौन सी है, सू नहर। सू नहर किन झीलों को जोड़ती है, ह्यूरन झील और सुपीरियर झील दोनों को जोड़ने वाली नहर है ये सू नहर। फिर आती है ईरी झील और ओंटेरियो झील, इन दोनों झीलों को कौन सी नहर जोड़ती है, वेलंड नहर जोड़ती है ईरी झील और ओंटेरियो झील को, और इन दोनों झीलों पर नियाग्रा जलप्रपात बना हुआ है। नियाग्रा जलप्रपात जो है और ईरी झील और ओंटेरियो झील दोनों पर बना हुआ है, और ईरी झील और ओंटेरियो झील को जोड़ती कौन सी नहर है, वेलंड नहर जोड़ती है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर आप क्रम याद रखें, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरन, ईरी और ओंटेरियो झील। अब आता है अपने उत्तरी अमेरिका की नदियां कौन कौन सी हैं, जिसमें पहली आती है मिसिसिपी, मिसोरी नदी। ये उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, जो कि पंजाकार या फिंगर नुमा डेल्टा, अंगुल्याकार डेल्टा बनाती है। मिसिसिपी मिसोरी पहली नदी है जो कि उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, और कौन सा डेल्टा बनाती है, फिंगर नुमा या पंजाकार डेल्टा बनाती है। दूसरी आती है अपने सेंट लॉरेंस नदी। ये सेंट लॉरेंस नदी जो है ये पांच झीलों को जोड़ने वाली नदी है, वो ग्रेट साल्ट लेक है, उत्तरी अमेरिका की पांच झीलों का समूह कहलाता है ग्रेट साल्ट लेक। तो ये सेंट लॉरेंस जो नदी है ये पांच झीलों को जोड़ने वाली नदी है, और ये विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग प्रदान करती है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि विश्व का सबसे बड़ा आंतरिक जलमार्ग प्रदान करने वाली नदी कौन सी है, तो सेंट लॉरेंस नदी है, और सेंट लॉरेंस नदी पर नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। सेंट लॉरेंस नदी पर नियाग्रा जलप्रपात स्थित है, जबकि ओंटेरियो झील और ईरी झील पर भी नियाग्रा जलप्रपात बना हुआ है। फिर आती है यूकोन नदी, और उसके बाद आती है कोलंबिया नदी। कोलंबिया नदी जो है इस पर ग्रैंड कुली और बोनविले बांध परियोजनाएं बनी हुई है। कोलंबिया जो नदी है उत्तरी अमेरिका की, इस पर कौन सी परियोजना बनी हुई, बांध परियोजनाएं, ग्रैंड कुली और बोनविले बांध परियोजनाएं बनी हुई है। फिर आती है कोलोरेडो नदी, ये इंपॉर्टेंट नदी है कोलोरेडो नदी। इस पर विश्व की सबसे बड़ी कैनियन ग्रैंड कैनियन स्थित है। कोलोरेडो नदी पर विश्व की सबसे बड़ी कैनियन ग्रैंड कैनियन स्थित है, और इसी कोलोरेडो नदी पर हूवर बांध परियोजना बनी हुई है। इसी कोलोरेडो नदी पर हूवर बांध परियोजना बनी हुई है। फिर आती है रियो ग्रैंड नदी, ये यूएसए और मेक्सिको की प्राकृतिक सीमा बनाती है। रियो ग्रैंड नदी जो है ये उत्तरी अमेरिका और मेक्सिको की प्राकृतिक सीमा बनाती है। अब आती है हडसन नदी। हडसन नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है, तो हडसन नदी के तट पर न्यूयॉर्क शहर बसा हुआ है। फिर आती है मैकेंजी नदी। ये आठ नदियां हैं उत्तरी अमेरिका में, याद रखिएगा, मिसिसिपी, मिसोरी, सेंट लॉरेंस, यूकोन, कोलंबिया, कोलोरेडो, रियो ग्रैंड और हडसन और मैकेंजी। अब आती है विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी कहां पर है, तो विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी है शिकागो, उत्तरी अमेरिका में। फिर आता है विश्व में सर्वाधिक लोह इस्पात का उत्पादन कहां पर होता है, तो विश्व में सर्वाधिक लोह इस्पात का उत्पादन होता है पिट्सबर्ग में, जो कि जंग का कटोरा कहलाता है। अब आता है विश्व में सर्वाधिक ऑटोमोबाइल का उत्पादन कहां होता है, तो डेट्रॉइट शहर, उत्तरी अमेरिका में विश्व में सर्वाधिक ऑटोमोबाइल का उत्पादन होता है। अब आता है कि विश्व की सबसे बड़ी मक्का मंडी कौन सी है,
मक्का मंडी है विश्व की सबसे बड़ी सेंट लुइस में, और जबकि सबसे बड़ी गेहूं मंडी है विनिपेग कनाडा में। सबसे बड़ी मक्का मंडी तो है सेंट लुइस में, जबकि सबसे बड़ी गेहूं मंडी है विनिपेग कनाडा में। और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड, आपको बताया था पहले भी, ग्रीनलैंड डेनमार्क देश में है, और कहां कौन से महाद्वीप में आता है, उत्तरी अमेरिका में। अब आती है एस्किमो जनजाति। ये एस्किमो जनजाति जो है ये उत्तरी कनाडा में निवास करती है। एस्किमो जनजाति उत्तरी कनाडा में निवास करती है, और इस एस्किमो जनजाति के शीतकालीन घर को क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं, जो कि बर्फ का बना होता है। शीतकालीन घर को तो कहते हैं इग्लू, जबकि ग्रीष्मकालीन घर को ट्यूपिक कहते हैं। याद रखिएगा, कंफ्यूज होता है ये। शीतकालीन घर को तो कहते हैं इग्लू, जबकि ग्रीष्मकालीन घर को कहते हैं ट्यूपिक कहते हैं। और अब आता है स्लेज। क्या होता है कि बिना पहियों की गाड़ी, जिसे कुत्ता, और उसे कुत्ते को क्या कहा जाता है, रेडियर कहा जाता है, खींचता है, तो उस बिना पहियों की गाड़ी को क्या कहा जाता है, स्लेज कहा जाता है। और एस्किमो जनजाति की नाव क्या कहलाती है, कयाक और उमियाक एस्किमो जनजाति की नाव है। अब आता है उत्तरी अमेरिका के खनिज कौन कौन से हैं, तो चांदी है, और चौवा चौवा हुआ खान मेक्सिको की विश्व की सबसे बड़ी चांदी की खान है। चौवा हुआ खान मेक्सिको की विश्व की सबसे बड़ी चांदी की खान है। और रेड इंडियन और निग्रो जनजाति तो है, ये भी उत्तरी अमेरिका में निवास करती है। रेड इंडियन और निग्रो जनजाति उत्तरी अमेरिका में निवास करती है। ये आपका हो गया उत्तरी अमेरिका का महाद्वीप कंप्लीट। अगले वीडियो में हम दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप को कंप्लीट करेंगे। तो पढ़ते रहिए आपके अपने चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।